हेलो, वेलकम टू माय चैनल हादे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी मान लो सूट बनाते हैं, कोई बिगनर्स है या फिर मान लो किसी का काम भी है लेकिन उनके पास महंगा सूट आ जाता है कि हम महंगे सूट की कटिंग कैसे करें। नहीं ना बाबा ना, मुझे तो डर लग रहा है, ये महंगा सूट है, हम कैसे कटिंग करेंगे। इस तरह से मन में थोड़ा सा खौफ सा रहता है। तो ऐसे खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एक सटीक सा तरीका बता रही हूँ जिसके अंदर आपका सूट कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे कितना भी महंगा सूट हो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है और नहीं कोई डरने की बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम महंगे सूट की कटिंग करें और अच्छी फिनिशिंग कैसे लेके आएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब ये देखिए, ये हमारे पास में जर्जर का कपड़ा है और ये हाथ लगाने से ऐसे ऐसे फिसल रहा है, मतलब ये उछल रहा है कपड़ा। तो हमें इसकी कटिंग करनी है लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसकी कटिंग कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें डर सा लग रहा है। हमें क्या करना है, पहले इस सूट का जो अस्तर है हम उसको ले लेंगे इस तरह से, और इस अस्तर के ऊपर हम इसके जो भी फिटिंग के निशान है वो लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ये अस्तर का कपड़ा धो के प्रेस करके और इसको सेट करके यहाँ पे रख लिया है। अब मैं इसका मेजरमेंट बता रही हूँ आपको कमीज का। ये इस कमीज की लंबाई है 45 इंच, ब्रेस्ट है इसकी 20 इंच और कमर है इसकी 16.5 इंच और बाजू है इसकी 16 और इसकी मोरी रखने में 5 इंच। बाकी नीचे सलवार का आ गया। तो इस तरह से जैसे हम कमीज काटेंगे वैसे सलवार का है, लेकिन सलवार के हमें जो बाले होते हैं आगे की साइड डालते हैं, कलियों के साथ जुड़ते हैं, उनमें अस्तर लगाना है और पूरी सलवार में अस्तर नहीं लगाना है। तो उसमें कोई बताने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमें कमीज के अंदर। तो मैं कमीज का बता रही हूँ कि आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका सूट कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका रख लिया 13 है हमारा, यहाँ पे 6 इंच आर्म होल का निशान लगाना है हमें यहाँ पे 7 इंच का, और यहाँ से इस तरह से देख लीजिए कि यहाँ पर भी 6 इंच का आ रहा है ताकि हमारी ये जो लाइन है जो एकदम इक्वल ड्रॉ हो जाए। ये देखिए, अब इस लाइन को इस तरह से कर दीजिए। अब आता है हमारा ब्रेस्ट का, तो यहाँ पे 20 है तो हाँ यहाँ पे हम 10 इंच का निशान लगा लेंगे, यहाँ 7.5 के ऊपर कमर का निशान और यहाँ पे 15 इंच के ऊपर हिप का निशान। ये सब हो गया। अब हमें यहाँ पे कमर रखनी है 16.5 इंच, यहाँ पे प्लेटें डालनी है हमें, इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान ज़्यादा लगा रही हूँ इस तरह से, और हमारी हिप है यहाँ पे 20 इंच तो मैं 20 इंच के ऊपर हाफ का निशान लगा रही हूँ 10 इंच का। अब ये निशान तो हमारा हो गया सिलाई का। अब हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं, तो यहाँ पर हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं, तो मेरी यहाँ पे प्लेट आ रही है 11.5 इंच के ऊपर इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 4 इंच का कपड़ा लेना है इस तरह से और यहाँ पे इंची टेप से निशान लगा देना है और इस तरह से 6 इंच की प्लेट का एक निशान दूसरा यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पर भी 4 इंच का निशान लगा देना है इस तरह से, और इस निशान को इसके साथ में यहाँ पे सेट कर देना है। अब हमें साइड प्लेटें भी डालनी हैं, तो साइड प्लेटें डालनी हैं, इसका भी हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे निशान लगाया हमने 6 इंच का और यहाँ से दूरी रखी 2 इंच की और इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है एक, इससे पहले मैं यहाँ पे गुलाई का निशान लगा देती हूँ ताकि ये निशान लगाने में हमें दिक्कत ना हो। पहले हमें यहाँ पे निशान लगाना है 2.5 इंच का और इसको इस तरह से गुलाई दे देनी है। अब हमें निशान लगाना है 1.5 इंच का। ये सब निशान जो मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है उसके अंदर प्रॉपर एक एक चीज़ समझाई हुई है कि कौन सा निशान काम पे लगाते हैं, तो आपको समझना हो तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। अब ये हमारे मोड़ों के और पीछे की कटिंग का आगे की कटिंग का निशान लग गया है। अब हमने यहाँ पे 2 इंच का ये देखिए रखा है, तो यहाँ पर 2 इंच का हो गया यहाँ पे इस तरह से, एक इन दोनों के बीच में एक निशान लगा लीजिए और ये देखिए यहाँ पे 2 इंच का इस तरह से निशान लगा लीजिए और इसको इस तरह से इसके अंदर सेट कर दीजिए।
अब ये देखिए, यहाँ पर भी 2 इंच का आ रहा है, यहाँ पर भी 2 इंच का आ रहा है, यहाँ पर 2 इंच का आ रहा है। ये हमने एक चौकड़ी के हिसाब से यहाँ पे प्लेटों के निशान लगा लिए हैं। तो ये हमारे निशान पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। और 1/2 इंच हमें आगे का डाउन कर देना ताकि हमारा आगे का गला पीछे ना जाए। अब ये हो गई हमारी अस्तर की कटिंग। अब हमें लेना है कपड़ा। अब ये देखिए, हमने इसका घेरा देख लिया, इसका घेरा आ रहा है 22.5 इंच के ऊपर, तो हम इसका हाफ कर देंगे। यहाँ पे भी इसका बीच में से हमें सेंटर लेना होगा कितना आएगा, तो हमें यहाँ पे लगभग 11.25 इंच के ऊपर निशान लगाना होगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को रख लीजिए। मान लो कोई भी हो, जिस तरह की कढ़ाई हो, आप उसी तरह से कपड़े को अपने हिसाब से बिछा सकते हो, लेकिन मुझे इसका बीच का सेंटर लेना है, तो मैं यहाँ से बीच से इसका नाप लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे पूरे में निशान लगा लूँगी। अब आप इस कपड़े को इस तरह से सेंटर में लेके बिछा लीजिए, जो जो हमने यहाँ पे लाइन लगाई है। अब ये देखिए, हमारी कमीज का हमने सेंटर ले लिया है। अब हमें देखनी है इसकी लंबाई, हमें लंबाई कितनी रखनी है इसकी। अब हमें इस कमीज की लंबाई रखनी है 45 इंच। अब नीचे तो ये कंप्लीट ही दिया हुआ है, इसका फोल्डिंग का तो कोई है ही नहीं मैटर, तो हमें सीधा यहाँ पे 45.5 इंच रखना है, क्योंकि हमारा 1/2 इंच तो मार्जिन में ही चला जाएगा इस तरह से। ये देखिए, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा जो निशान लगाया हुआ है कपड़ा अस्तर वाला, इसको हम उठाएंगे इस तरह से, और इसकी जो लंबाई ली है इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे बस। आपको इस कपड़े के साथ में कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ से बस थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे 11 इंच है, तो आप यहाँ पे 11 इंच के ऊपर एक निशान लगा लीजिए। इस तरह से आपके कमीज की कटिंग होगी। अब आपको बस अस्तर के ऊपर इस तरह से कटिंग कर देनी है, क्योंकि आपको कहीं भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कपड़ा किस तरह का होता है, चोक नहीं चलता, कई बार कपड़ा सेट नहीं होता, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो हमारा अस्तर का कपड़ा होता है वो बिल्कुल सूती और कॉटन का होता है, ये चिपक जाता है और इसके ऊपर आसानी से चोक चल जाता है। इसके ऊपर हमने सारे निशान लगा लिए थे, अब नीचे की तरफ चले गए हैं, और अब हमें क्या करना है, इसको रख के काटना है। इसी तरह से हमें पीछे का फ्रंट है वो निकालना है और उसकी कटिंग कर देनी है, और बाद में हम सिलाई भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये हमारी प्रॉपर सिलाई हमें दिख रही है, इसके ऊपर हम प्लेटों के निशान है वहाँ पे, और सिलाई है जो स्टिचिंग करनी है, यहाँ पे सारे आराम से सिलाई कर सकते हैं। यदि आपका कपड़ा उपाड़ा सिलक या उससे भी ज़्यादा है, आपका कपड़ा सेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़ा रख के यहाँ पे लंबी सिलाई लगा लेनी है। लेकिन मेरा मानना यही है कि इस तरह से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं यहाँ पे सिलाई लगाने की। अगर ज़्यादा सिलक का कपड़ा है तो आप इसको इस तरह से सेट कीजिए, हल्की सी प्रेस कीजिए, और उसके ऊपर ये अस्तर रख लीजिए, और फिर उसके ऊपर हल्की सी प्रेस कर दीजिए, और फिर इसकी कटिंग कर दीजिए, तो आपका कपड़ा कहीं पर भी नहीं भागेगा, और अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगी, अच्छी तरह से सिलाई होगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये कितना आसानी से हमारा कमीज है जो कट के तैयार हो गया है, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। अगर हम इस कपड़े के साथ में माथापच्ची करते तो हमें टाइम भी हमारा ज़्यादा लगता, और हमारे जो निशान है वो भी सही नहीं लगता, और हमारी जो कटिंग है यहाँ पे आर्मोल की, वहाँ पर भी हमें दिक्कत आती। लेकिन अब हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये प्रॉपर कट के तैयार हो गया है। इसी तरह से आप महंगा सस्ता सूट जो भी हो, लोन लगाकर बनाना हो, तो आप इस तरह से ये फार्मूला यूज कर सकते हो, और ये आपका टाइम भी बचाएगा,
और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।